जब 1990s में इंटरनेट ग्रो हो रहा था, तो टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क पीएचडी कर रहे थे और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस एक हेज फंड कंपनी में जॉब कर रहे थे। जब इन दोनों ने देखा कि इंटरनेट के यूजर्स हर साल 2300% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इलॉन मस्क ने अपनी पीएचडी छोड़ दी और जेफ बेजोस ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि दोनों को अपनी कैपेबिलिटीज में यकीन था। इन्हें पता था कि अगर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। जेफ बेजोस से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, क्या उन्हें डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा 90 ईयर प्रिंसिपल का यूज करता हूँ, यानी वो इमेजिन करते हैं कि जब वो 90 साल के हो जाएंगे तब उन्हें क्या लगेगा, और फिर वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उस 90 साल के जेफ बेजोस से पूछा कि क्या उसे कोई गिल्ट महसूस होगा कि उसने जवानी में एक अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब छोड़ दी, और इस पर उस 90 साल के जेफ बेजोस ने उनसे कहा कि उन्हें ज्यादा दुख होगा अगर उन्होंने वो इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि वो एक मीडियोकर लाइफ नहीं जीना चाहते। अब हमें से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हम तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। चलिए मान लेते हैं कि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस का रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन हम कैलकुलेटेड रिस्क तो ले सकते हैं। हम जो भी एक्स्ट्रा चीज अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अपने फ्री टाइम में हर रोज 3 से 4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। उस स्किल के लिए एक्सपर्ट्स की बुक रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो उस चीज के लिए टाइम स्पेंड करना एक मुश्किल बात नहीं होगी। और क्या पता हमें अपने पैशन में इतने पैसे कमाने का मौका मिल जाए जिसकी वजह से हम अपने पैशन को प्रोफेशन बनाए।